आप सभी का स्वागत जम्मू परिवर्तन में, मैं हूँ रजत। परसों की बात ही है कि एक जोरदार बारिश आई और इस पुल को बहा कर ले गई। पुल ढह गया, किसी ने सुध-बुध ली या नहीं, आम जनता कैसे जाएगी कैसे नहीं, इसके बारे में किसी ने ना तो सोचा और ना ही किसी ने पूछने की कोशिश की होगी। जी हाँ, राजनेता यहाँ पर जरूर पहुंच, आगे आने वाले समय में सियासी रोटियां सेकनी है, पर सबसे बड़ी बात आप यहां पर सामने एक व्यक्ति को जाते हुए देख रहे होंगे। किस तरह से ये यहां से दूसरी ओर जा रहा है आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। पानी का बहाव कितना तेज है, अगर पैर फिसलता है ये व्यक्ति कहां पर क्या होगा। ऐसा तो करें कि कुछ ना हो, बट किस तरह से ये जा रहे हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। सामने अभी भी आप देखिए कि गाड़ियां आ रही हैं। अगर जिन जिन को इसके बारे में नहीं पता कि यहाँ से पुल जो है वो टूट चुका है, वो अभी भी यहाँ से आने की ओर जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि गूगल मैप भी, क्योंकि गूगल मैप को क्या ही पता कि यहाँ पर कुछ ऐसा हादसा हुआ है या नहीं हुआ है, तो गूगल मैप की अगर बात करें तो गूगल मैप तो बता रहा है कि आप यहाँ से जा सकते हैं। अभी एक व्यक्ति यहाँ से आया क्योंकि उसका सेंटर जो है वो जम्मू संस्कृति स्कूल आया था, तो वो यहाँ से आगे की ओर रवाना हो रहा था और ये देखना चाहता था कि आखिरकार यहाँ से स्कूल कितना दूर है और वो कितनी जल्दी यहाँ पर पहुँच सकता है। पर यहाँ पर आता है और आगे देखता है कि पुल जो है वो टूटा हुआ है। देखिए वो व्यक्ति जो है वो किस तरह से अभी भी पूरी जो है एक नहर को पार करके हुए जा रही, क्योंकि उनका घर दूसरी साइड है, इसीलिए वो यहाँ से चले गए। अदरवाइज इनको अगर यहाँ तो लगभग भी 10 से 12 किलोमीटर, शायद इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं किलोमीटर, जाकर जो है अपने दूसरे घर की ओर रवाना होना होता। अब आप देखिए कि वो अकेले हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि उनके पास कोई भी दो पहिया वाहन या फिर चार पहिया वाहन नहीं था, तो वो किस तरह से पैदल इतनी दूर जो है वो सफ़र करते। क्यों पुल जो है वो बनाए जाते हैं, सबसे पहली बात, ताकि कनेक्टिविटी हो, और ये रोड की कनेक्टिविटी बॉर्डर्स के साथ है। ये रोड की कनेक्टिविटी होना भी ज़रूरी है ताकि स्मार्ट सिटी जो हैशटैग हर जगह हो। हम भी एक बार खबर चला दी तो आखिरकार क्या पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, प्रशासन जागा या नहीं जागा, तो इसीलिए हम भी यहाँ पर देखने आए कि क्या प्रशासन को पता चला है या नहीं। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, रोड अभी भी आहिस्ता आहिस्ता टूट रही है, क्योंकि कल जब हम परसों माफ़ कीजिएगा परसों जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तो रोड का जो लेवल था वो आगे तक था, बट आहिस्ता आहिस्ता अब ये रोड भी ढह रही है। और शायद हो सकता है कि प्रशासन यहाँ पर दो पहिया वाहन के लिए जाने के लिए कोई रास्ता बना दे या फिर कोई पैदल जाने वालों के लिए। पर आखिरकार ऐसा क्या वजह है कि कुछ साल पहले बना हुआ जो पुल है वो ढह गया। दड़प का इलाका और मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, बातचीत उनसे करते हैं। फिलहाल मैं गल करांगी, थानू क्या लगता कि इदा किदा हो गया कि इन्ना पुल जेड़ा बनया होया एकदम नाल ढह गया? थल्ले माली कोई नहीं लाएगा, सरिया पाए दे नहीं, ये तो सामने लगने लगी है। वो ब्लॉक दे बेच के कंडे ते बनाया, वो कबला नु अग्गे जाके बनना सी, इधर वाले कोने में कंडे ते उठे जाके बनना सी, ना किता का खरी बहन चुदा नहीं ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਰਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੋ ਕੁ ਪੰਜ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਰੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਆਇਆ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਘਰ ਵੀ ਹੈ। ਆਹੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਦੇ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਪਹੀਏ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਧੁੱਪ ਲੱਗ ਲੈਂਦੀ ਕੱਦੀ ਰਾਸਤਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਦਲ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਘਰ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕੋ ਕੋ ਯਹੀਂ ਸੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੀ ਔਰ ਜਾਣਾ ਹੋਗਾ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਵੋ ਵਿਅਕਤੀ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਕੋ ਹਮ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਵੋ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕੁਛ ਲੋਕ ਵੀ ਵਹਾਂ ਪਰ ਖੜੇ ਹੈ, ਵੋ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਹੋਂਗੇ ਕਿ ਹਮ ਯਹਾਂ ਸੇ ਦੂਸਰੀ ਔਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ, ਜੰਮੂ ਕੀ ਔਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ, ਜੰਮੂ ਸਿਟੀ ਕੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰੂੰ, ਆਗੇ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਕਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਔਰ ਆਗੇ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕਰੇ ਜੀ, ਛਾੜ ਪੜਤਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾ ਰੋਡ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਾਮਣੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਉਨਸੇ ਜੇ ਛਾੜ ਪੜਤਾ ਹੈ, 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਛਾੜ ਹੈ ਜੇ ਜੀ, ਇਤਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ,
इतना शॉर्टकट रास्ता, मैं नमशेर में नहीं चल रही, ट्रैफिक इतनी इधर आ रही है, रिया पंडोरी चक्रोई बासपुर बंगला नमशेर के आगे विधिपुर बॉर्डर के गाँव में सब इसी शहर से आ रही है। सभी लोग जो हैं, जो भी गांव में रहने वाले लोग हैं, वो यहीं से होकर गुजरते हैं। आपसे बातचीत करूं, अचानक लगा था कि यहां पर बना हुआ पुल जो है वो इस तरह से, मतलब आंखों में देखते देखते यहां को सामने सामने लगता तो नहीं था गिरेगा, पर शायद काम ही नहीं होता। 5 साल का पता था प्रशासन के पुल गिरने वाला है, पर कोई रिपेयरिंग कुछ नहीं हुई। रिपेयरिंग होती थी पर काम नहीं करते थे। नीचे पूरा डैमेज हो चुका था, नीचे से पानी बहाव आएगा तो गिरेगा। अभी क्या प्रशासन कर रहे हैं, काफी मुसीबत का हल करना पड़ रहा है। किस तरह से लेवलिंग होनी चाहिए थी, क्या आपको लगता है कि उस तरह से लेवलिंग की गई ताकि पानी? मैम कुछ लेवलिंग की नहीं की हुई है मैम, जैसे बनाया था वैसे छोड़ दिया, पूरा पुल भी कंप्लीट नहीं हुआ था तो छोड़ दिया था, इसका भी उद्घाटन भी नहीं हुआ, ब्रिज का ऐसे सेंटर में छोड़ा हुआ है। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि जिस तरह से बनना चाहिए था अभी पूरा नहीं बना था। अगर पूरा नहीं बना था तो यहाँ से गुजरने वाले जितने भी लोग थे क्या वो खतरे में गुजर रहे थे? हाँ मैम, शायद खतरे में थे। देखो ना, अभी आपके सामने से कुछ दिख रहा है कि पुल के नीचे कुछ स्लैब ही कुछ नहीं है। 5 साल के प्रशासन को पता चाहिए पुल गिरने वाला है, तो कुछ काम ही नहीं किया उन्होंने। कोई आते थे, कोई टेम्पररी काम करते थे, काम खत्म कर देते थे अपना, कि लोग चुपचाप चले रहे थे, जा रहे थे, कि टाइम निकाल रहे थे। अभी अचानक गिर गया तो सभी को मुसीबत का हल करना पड़ रहा है। अभी सारी पब्लिक जो 10 किलोमीटर ट्रैवल करके, जो कि 100 मीटर दूर घर है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर ट्रैवल करके दूर आना पड़ रहा है। अभी आप ही देख लो कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। कोई लोग थोड़े को कुछ कहते ना कि आखिरकार हम कितना ऊपर जाइए कितना नहीं जाइए, क्योंकि थोड़ा घर इससे आस पास ही है? किसी ने बोला नहीं है, इधर बोला नहीं किसी ने भी। क्या ये 12 साल हुआ बना हुआ पुल, तो अभी पुल को पता नहीं कैसे नीचे से पूरा लेवल नहीं किया, माल नहीं डाला। 50-60 लाख रुपया आया था वो भी इनने खा गए सारे। 20 करेट डाले थे सारे साइड पे। आपको क्या लगता है किसकी गलती हो सकती है? गलती इनकी है, कुछ गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट की। हमारी गलती क्या है? गलती पेट बिल्कुल। तो यहाँ पर बात ये भी है, क्योंकि देखिए अभी भी जो लोग हैं वो यहाँ से यहाँ की और, मतलब उनको लग रहा है कि अब हम यहाँ से अगर जाएंगे तो शायद आगे जा सकते हैं, क्योंकि आम जनता तक इस बारे में क्लियर हुआ ही नहीं है कि ये रोड टूटी है या नहीं टूटी है। बट अब बात ये है कि सिर्फ ऐसा क्यों होता है कि प्रशासन के हाथ तब खड़े हो जाते हैं जब आम जनता को उनकी ज़रूरत होती है। आम जनता को इस समय काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से जाने वाले जिनका घर वो सामने है, क्या वो 10-12 किलोमीटर दूर कहीं से होकर घूमकर अपने घर की ओर जाएंगे? खुद अंदाज़ा लगाइए जनाब, अभी हाथ खड़े करने की देर नहीं, अभी ये की देर है कि आखिरकार किस तरह से कनेक्टिविटी को जोड़ा जाए, क्योंकि कनेक्टिविटी टूटी है, और वो भी सिर्फ ऐसी गली चौराहे की नहीं टूटी है, बल्कि 25 गांव की कनेक्टिविटी टूटी है, बल्कि बॉर्डर्स के साथ रहने वाले लोगों की कनेक्टिविटी टूटी है। मैं अभी भी आपको दिखा दूं, लोग अभी भी जो हैं वो सामने देखिए आप, गाड़ियां किस तरह से आ रही हैं, क्योंकि अभी काफ़ी लोगों को इस बारे में नॉलेज नहीं है। प्रशासन को चाहिए कि पहले कुछ लोगों को अभी ये बात बताए कि अभी जो है काफ़ी जगह पर ये जिस तरह से पुल टूटा है जानकारी दी जाए, ताकि यहाँ पर लोगों का आना जाना ना हो। तारबंदी जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं की गई है, बट तारबंदी को आगे, मतलब जहाँ से ये रोड स्टार्ट होती है बताना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ यहाँ तारबंदी करना सही नहीं होगा। आप लोग इस तरह से बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ, मुझे और दीपक जी को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।